काश मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे ना सफाई कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पापा मुझे लेने ही आते होंगे। असल में मैं एक छोटा सा मशरूम बेबी हूँ और मेरे पापा मशरूम मैन है। मेरा सपना हमेशा से टाइटन मशरूम मैन बनने का रहा है, लेकिन मेरे पापा पर ये अमीर लोगों का बहुत ज़्यादा कर्जा है। इन्होंने धोखाधड़ी से मेरे पापा पर बहुत कर्जा चढ़ा दिया है और अब ये लोग मेरे से और मेरे पापा से बहुत मेहनत कराते हैं। आज पता नहीं इन्होंने कैसे मेरे पापा को एक अजीब सा दिखने वाला हरा सा एक एलिमेंटल मैजिकल रॉक लेने भेजा है। अरे सर जी, देखिए मैं आपका रॉक जो कि हज़ारों कुंटल टन जितना भारी है उसको लेकर आ चुका हूं। इसके अंदर कोई अजीब सा पोर्टल भी है। प्लीज आप इसको ले लीजिए और मेरे बच्चे को जाने दीजिए। वो मासूम है, उसकी ये उम्र तो पढ़ाई करने की है, बच्चों के साथ खेलने की है। आप उससे इतना काम क्यों करा रहे हैं? अबे 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 ज्यादा मत बोल समझा, वरना यहीं पीट के मार दूंगा। पहले देखने दे, ये मैजिकल स्टोन असली तो नहीं है, कभी नकली उठा लाया हो। अरे बिल्कुल असली है, सच बोल रहा हूँ। आपने जहाँ से बोला था मुझे इसे उठाने के लिए, मैं वहीं से इसको उठा के लाया हूँ। तो इसको उठा के ला रहा है बेवकूफ, या फिर पटक के ला रहा है? मैंने तो बोला था तुझसे इज्जत से लाना, तू इसको घिसट घिसट के क्यों ला रहा है? क्योंकि मुझे इतनी जाननी है ना, इसलिए। अब तेरे को बताता हूँ मैं जान असली क्या होती है, रुक तेरी बैंड बजाता हूँ। नहीं पापा, ओ नो, ये मेरे पापा को कहाँ पर लेके जा रहे हैं? पापा जी, ओ नो, प्लीज मुझे जितना चाहे मार लो, पीट लो, इतनी गुलामी चाहे करा लो, मेरे बच्चे को जाने दो। बकवास बंद कर, वो भी तेरा ही खून है, उसकी भी बैंड बजेगी। काश मुझे अपने पापा के पास जाना पड़ेगा। प्लीज दोस्तों मेरी मदद करो, जल्दी वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब। मेरे पापा बहुत होनहार हैं, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। देखिए इन्होंने मेरे पापा से वो मैजिकल स्टोन वाला बॉक्स और साथ साथ में एलिमेंटल बॉक्स सब कुछ मंगा लिया और मेरे पापा को पीट रहा है। वो कहाँ पर गया? ओ यूनिवर्स मैन, मेरे पापा को छोड़ दे, मेरे पापा ने ऐसा क्या ही किया है जिसकी वजह से तो उनको मारना चाहता है। ये कमजोर है कमजोर, इस दुनिया में कमजोर लोगों की कोई जरूरत नहीं है। बच्चा चल 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 चल, तू भी मरेगा, तू भी मरेगा, समझा? लेकिन तू खुद जाके मार, मेरे ऊपर अपना पाप मत चला, इसकी तो मैं बैंड बजाऊंगा। ओए मशरूम मैन, मेरे पैसे दे। अरे सर जी, मैंने आपके सारे काम तो कर दिया, मार दिया। मेरे बच्चे अपना ध्यान रखना। पापा नहीं, पापा आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। और चला गया तेरा बुढ़ा बाप, हा हा हा, वो मजा आ गया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लो खुद ही मर गया, अच्छी बात है, बच्चा भी गया और बाप भी गया। नहीं गाइस, मुझे जिंदा रहना होगा, पापा को बचाना होगा, जल्दी प्लीज वीडियो लाइक करो मेरे लिए और चैनल सब्सक्राइब। मैं मशरूम बेबी हूँ, मैं क्या ही कर सकता हूँ, मुझे तो लोग पसंद भी नहीं करते। पापा ये क्या हो गया? पापा उठिए ना, पापा प्लीज उठ जाइए। मेरे बच्चे प्लीज मुझसे वादा कर, तो दुनिया का सबसे बड़ा टाइटन फायर मशरूम मैन बनेगा। बिल्कुल पापा, मैं इतना खतरनाक फायर मशरूम मैन बनूंगा कि सबकी बैंड बजा दूंगा, अपने दुश्मनों को अपने मशरूम की आग से जला दूंगा, किसी को यहाँ पर आपको परेशान नहीं करने दूंगा। अब आप रेस्ट कीजिए, आपने वैसे इस दुनिया में बहुत ज्यादा परेशानियां झेली हैं। गाइस मेरे पापा अब रेस्ट कर रहे हैं, वो ऊपर वाले के पास खुश रहेंगे। बस मुझे इस दुनिया में किसी भी हालत में स्ट्रगल करके मेहनत करके अपने आप को टाइटन फायर मशरूम मैन बनाना होगा। और मैं कसम खाता हूँ मैं यूनिवर्स मैन की फैमिली से बदला लूंगा, मैं वापस जरूर आऊंगा। एक मिनट गाइस, ये क्या यूनिवर्स मैन की फैमिली यहाँ पर क्या कर रही है? वैसे मैं तो यहाँ से भागने वाला था, लेकिन एक बार आप देख ही लेते हैं इन्होंने असल में ये मैजिकल स्टोन क्यों मंगाया है, इतना बड़ा वाला हरा पत्थर, और इसमें से ये जो बॉटल निकला हुआ है इससे क्या होने वाला है। और मेरा बच्चा मेरी बात सुन, तुझे इस पोर्टल के अंदर जाना है और जीतना है, जीतते ही तुझे वहां पर एक बहुत ही स्पेशल जायंट लेवल का ट्रेडमिल मिलेगा, तुझे वो लेके आना है। अरे ऐसी बात है पापा जी, अरे फिर तो मजा आ जाएगा। गाइस ये क्या, इस पोर्टल के अंदर जो जो भी जाता है वो जीत के आएगा तो उसको ट्रेडमिल मिलेगा क्या? अरे वाह वाह वाह, मैं तो जीत जाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा स्पेशल हूँ। अरे वाह वाह वाह, गाइस ये सब क्या चल रहा है? क्या यूनिवर्स मैन का बच्चा जीत जाएगा? और ऐसा कौन सा कॉम्पिटिशन चल रहा है अंदर कि जीत कर ही ट्रेडमिल मिलेगा? चल मेरा बच्चा चल, और जल्दी कर जल्दी कर, समय बहुत कम है हमारे पास। अरे वाह पापा जी, आ गया मैं, आ गया। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, क्या बात है, तूने सबको धूल चढ़ा दी ना। अरे हाँ, हमारी फैमिली सबसे ज्यादा बेस्ट है, इसलिए देखिए मैं यहाँ पर जायंट ट्रेडमिल लेकर आया हूँ। अरे वाह वाह वाह, कितना बड़ा ट्रेडमिल है। ओ भाई साहब, यार इस पे इतना सा बेबी कैसे भागेगा? अरे पापा जी, क्या मैं इस पे भागूं? तेजी से भागना शुरू करूं? अरे बिल्कुल मेरा बच्चा, भाग 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 और दुनिया का सबसे बड़ा टाइटन यूनिवर्स मैन बन जा। ओह नो, इन्होंने मेरी फैमिली बर्बाद कर दी और ये अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, मैं काश ऐसा रोक पाता होने से। पर देखिए गाइस, ये यूनिवर्स बेबी जो कि एक समय पर मेरे बराबर जितना था, आज कितना ज्यादा बड़ा होता चला जा रहा है। ओ माय गॉड, ये क्या, इतने से ट्रेडमिल ने, मतलब ट्रेडमिल तो फिर भी बड़ा है, बट फिर भी इतने बड़े यूनिवर्स मैन के आगे तो छोटा है ना।
इसको बना डाला भाई साहब। गाइस मुझे पता चल गया गाइस मुझे क्या करना है, अपने पापा का बदला लेने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टाइटन फायर या फिर ऑल फादर मशरूम मैन बनने के लिए मुझे भी इसी तरह के किसी जायंट ट्रेडमिल पर भागना होगा जी जान लगा के। वैसे मैंने कब से खाना नहीं खाया है, मैं भाग भी पाऊंगा? गाइस आप लोग प्लीज मेरे पापा के लिए एक बार मशरूम मैन ओपी जरूर लिखना कमेंट में, मुझे आपकी मदद चाहिए यार। ये ट्रेडमिल कैसा है, मैं तो उस पर भाग ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अरे ये क्या ट्रेडमिल गायब हो गया? गाइस आई नीड योर हेल्प, मशरूम मैन ओपी लिखिए ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अबे ये कौन रो रहा है इतने टाइम से? गाइस आइडिया, क्यों ना मैं यहाँ पर एक काम करूँ। अबे निकल यहाँ से अभी, बताता हूँ तेरे को। मुझे पोर्टल में जाना पड़ेगा दोस्तों किसी हालत में। जिस तरह से इस यूनिवर्स मैन का बेटा यहाँ पर ट्रेडमिल जीत कर लाया था, मैं एक नहीं 10 ट्रेडमिल जीतूंगा और अपने साइज के बेटे से भी ज्यादा बढ़ाऊंगा। तेरा बस की कुछ भी नहीं आया, तू अपनी फैमिली का बदला कभी नहीं ले पाएगा, तू बुजदिल है मर जाएगा। नहीं अगर मुझे मरना होता मैं कब का मर जाता, मैं जीना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे अपने पापा का नाम रोशन करना चाहता हूँ। अरे बाकी कौन गिरा मेरा ऊपर? अरे माफ करना एक मिनट, अरे यहाँ पर तो मेरे जैसे बच्चे हैं। अबे चल हम तेरे जैसे बच्चे नहीं हैं। वो भाई साहब रेड हीटर मैन है, डायमंड हार्ट बीबी है और ये वाटर ड्रॉप मैन है, कितने सही सही लोग हैं। गाइस मुझे भी अपनी टीम में ज्वाइन कर लो। लेकिन बच्चा तू इधर करना क्या चाहता है? मुझे अपने पापा का नाम रोशन करना है, मुझे दुनिया का सबसे बड़ा टाइटन ऑल फादर मशरूम मैन बनना है। अरे बच्चा लेकिन उसके लिए फीस लगेगी 3 करोड़। मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। अच्छा तो एक काम कर, कॉमेंट में मशरूम और साथ साथ में ये लाइक वाला इमोजी स्पैम करा दे। गाइस प्लीज जल्दी से कॉमेंट में ज्यादा से ज्यादा मशरूम वाला इमोजी और लाइक वाला इमोजी स्पैम कीजिए, जिससे कि यहाँ पर मुझे एडमिशन मिल सके इस खतरनाक कॉम्पिटिशन में और मैं जीत सकूँ। अरे चल तू नहीं जीतेगा और मेरा मैं जीतूंगा। ओ बच्चों मेरी बात सुनो, लड़ाई लड़ाई बंद करो, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम सभी को यहाँ पर एक एक बाइक मिलेगी, चाहो तो टीम में जा सकते हो। अरे हमें नहीं बनानी टीम, अलग अलग जाएंगे। ओ यहाँ हमें टीम नहीं बनानी तो ठीक है तुम्हारी मर्जी, इसका इस्तेमाल करके तुम्हें आगे जानी होगी। यहाँ पर तुम्हें एक खतरनाक तरीके का नीचे जाने वाला स्लाइडिंग रैंप मिलेगा, ये बहुत ही खतरनाक है, ये तुम्हें नीचे की जगह ऊपर भी पहुंचा सकता है, इसलिए ध्यान से आगे जानी होगी। यहाँ पर खतरनाक जायंट रिवेंजर हल्क से बचते हुए तुम्हें अर्थमैन का मुकाबला करना होगा। नो मैं नहीं लड़ूंगा भाई इससे, करना ही होगा मुकाबला बच्चा है, क्योंकि ये प्रोटेक्ट कर रहा है एक बहुत ही स्पेशल ट्रेडमिल को। देखने में ये छोटा ट्रेडमिल है लेकिन तुम्हें ये बड़ा बना सकता है। अरे वाह फिर तो लड़ना ही पड़ेगा। उसके बाद तुम्हें 3 हेडेड जोकर हल्क मिलेगी, उसके बाद तुम्हें यहां से जंप लगा के खतरनाक ब्लैक रेवेंजर की आर्मी से पार होते हुए जायंट लाइटनिंग रेड वेनम के खतरनाक दांतों से बचना होगा। ओ माय गॉड, और यहां पर ये लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं एक और स्पेशल ट्रेडमिल को। वाह देखा इस रैंप पे एक नहीं 2 ट्रेडमिल है। बिल्कुल बच्चे जैसे इस ट्रेडमिल का इस्तेमाल करोगे जायंट लेवल के बन जाओगे, इसलिए तुम्हें यहाँ पर अगर शूरवीर बनना है टाइटन लेवल का ट्रेडमिल चाहिए और अपने आप को टाइटन लेवल पे बनाना है तो एक बार में 3 ट्रेडमिल ले लेना, उसके बाद तुम्हें मिलेगा ये वेरी जायंट ट्रेडमिल। वाह ये तो उनके ट्रेडमिल से भी ज्यादा बड़ा लग रहा है मुझे। फिनिश लाइन पे पहुंचते इस ट्रेडमिल जैसे भागोगे टाइटन बन जाओगे बच्चा लोग। गाइस सबसे पहले तो मैं ही चाहूंगा, मैं ही यहाँ पे अपना साइज बढ़ाऊंगा। कौन सी बाइक लूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। गाइस ये वाली लेते हैं, मैं भी फायर मशरूम और देखिए ये भी मेरे से कमिरते जूते कलर की बाइक है। अबे बच्चे तेरी इतने हिम्मत, रोक तेरी बैंड बजाता हूँ अभी के अभी। ओले और तू यहाँ पे नहीं जीत पाएगा। ये क्या कर रहा हीटर मैन? अपनी हीट से तेरे को मार रहा हूँ। और चल अपने पापा की बड़ी याद आती है तुझे, ले तेरे पापा के पास ही भेज देता हूँ। नहीं मुझे मेरे पापा के पास इस तरह से नहीं जाना, नहीं तो मैं शर्मिंदा फील करूंगा, मुझे अपने पापा के पास बहुत कुछ करके जाना है। बकवास बंद कर, वो तो तेरे से हो गया। चलो भाई और तेरी बाइक तो मैं लेके जाऊंगा। गाइस वो मेरी बाइक छीन के ले गया, मुझसे क्या ही दुश्मनी है इतने छोटे से बच्चे से। अब चल तेरी हरकतें तो बड़े लोगों की है, तू छोटा बच्चा कहाँ से। वो मजा आ रहा है मम्मी। अरे वाह मेरे पास अगर उड़ने वाली पावर नहीं होती तो मैं तो गया होता। व्हाट ये उड़ भी सकता है यार, ये हीटर मैन तो कमाल की पावर्स लगता है। एक मिनट ये यहाँ पर क्या कर रहा है? अबे ओए मेरे को ट्रेन में, अबे इधर तो कोई ट्रेडमिल नहीं है लगता है। गाइस ये गलत तरीके के ट्रैप में आके फंस गया है। अब हटो यहाँ से, तुम मेरे को ट्रैप में फंसाओगे। अगर ट्रेडमिल यहाँ नहीं है तो आगे होगा, पर मैं ट्रेडमिल लेके रहूंगा। गाइस हीटर मैन ने कुछ तो गड़बड़ की है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर अब हीटर मैन को लिटरली में भाई एक भी ट्रेडमिल नहीं मिलेगा। ये देखिए कैसे लोगों को पीटता जा रहा है। अब जो लोग दूसरे लोगों को डराते हैं वही जीत पाते हैं, तुझ जैसे डरपोक नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। वाह अब मुझे अर्थ मैन को हराना है। तू मुझे हराएगा? बिल्कुल तुझे हराऊंगा ही नहीं और तुझे भस्म कर डालूंगा मैं। मैं जाता हूँ, मैं हूँ खतरनाक हार्ट बेबी है, डायमंड हार्ट बेबी, मेरे से ज्यादा खतरनाक कोई भी नहीं है, मैं यहाँ पर जीत कर रहूंगा कुछ भी हो जाए। अरे बाबा
क्या खतरनाक जंप लगाई है मैंने तो। गाइस यहाँ पे डायमंड हार्ट पे भी तो कार में बैठ के जा रहा है। वाह यार ये तो बड़ा स्मार्ट है। कार में ज्यादा सेफ्टी होती है यार बाइक के रिगार्डिंग, इसलिए मेरे हिसाब से सेफली यहाँ पर अर्थमैन वाले ट्रेडमिल तक पहुंच पाएगा। लेकिन क्या ये अर्थमैन को हरा पाएगा ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। अबे बच्चे मेरे पे सवाल करता है, मेरी काबिलियत पे सवाल करता है, तेरी बैंड बजा दूंगा मैं, समझा? मैं बहुत ज्यादा स्पेशल बच्चा हूँ, एक मैं किस तरह से भागता हुआ जा रहा हूँ और जीतता हुआ जा रहा हूँ। गाइस इसकी बाइक नहीं वही कार फ्लिप कर रही है और ये यहाँ पे किच्चे अच्छे बैलेंस की वजह से यहाँ पर नीचे पहुंचने वाला है। अरे वाह 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 मैं तो बस पहुंच गया, अर्थमैन को मेरे को जल्दी बस हराना पड़ेगा। मुझे कोई नहीं हरा सकता, जो मुझे हराने की सोचेगा मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। गाइस देखिए यार डायमंड हार्ट पे भी पहुंच चुका है, मेरे हिसाब से मैं किस बात का इंतजार कर रहा हूँ, मुझे भी यहाँ पर कोई व्हीकल लेनी होगी और जल्दी आगे बढ़ना पड़ेगा। गाइस एक मिनट अर्थमैन क्या कर रहा है, ले! अरे मार दिया मेरे का, ये क्या हो रहा है? ओए साहब अर्थमैन यहाँ पर सुपर ब्लास्ट अटैक कर सकता है और उससे किसी की बैंड बजा सकता है। गाइस यार मेरे को तो डर लग रहा है, मैं अर्थमैन से लड़ाई नहीं करूंगा, मैं किसी तरह से अर्थमैन को चकमा देकर उसके ट्रेडमिल को लूंगा, उसके बाद साइज बढ़ा के आगे बढ़ूंगा। ऑलराइट गाइस इस बार तो मेरे को बाइक भी मिल चुकी है और मैं आगे ही बढ़ रहा हूँ। मेरे पापा जहाँ भी होंगे मुझे देखकर खुश हो रहे होंगे क्योंकि मैं तरक्की की राह पर जो चल रहा हूँ। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। अरे 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 मुझे जल्दी से यहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट में जाना पड़ेगा। गाइस देखिए वो रहा सामने जायंट अर्थमैन, कितना ज्यादा खतरनाक है। ए, मेरे पास मत आना वरना तुझे बर्बाद कर दूंगा मैं। प्लीज मेरी बात सुन मेरे भाई, मुझे यहाँ पर ट्रेडमिल लेने दे, मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। गाइस एक मिनट हीटर मैन, अरे ये अभी भी है। अबे ओए बच्चे दूर रह मेरे से वरना तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। मैं तेरे को बताता हूँ अभी। गाइस मैं गन निकालता हूँ यहाँ पे, सुपर फायर मशरूम अटैक। वाह मेरी गन में से फायर वाली मशरूम्स निकलती हैं और यहाँ पर हीटर मैन के ही हीटर को मैंने लिटरली मैं आग में भस्म कर डाला। अबे भाई यार क्या कर दिया तूने मेरे साथ, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। देखा मुझे पता ही नहीं था मैं इतना पावरफुल हूँ। अरे बड़ा मजा आ रहा है, मैं तेरी बैंड बजा दूंगा। ओए अर्थमैन क्या कर रहा है देख ले इसको। मुझे मतलब नहीं है, एज लॉन्ग एज कोई मेरा ट्रेडमिल मुझसे नहीं ले रहा है। गाइस ट्रेडमिल के लिए हम काम करते हैं, इस जाल को डलाते हैं। ये क्या कर रहा तू, मेरा जाल चला रहा है? बिल्कुल अर्थमैन जी, मैं आपका जाल जलाकर आप ही के ट्रेडमिल पर अपना साइज बढ़ाने जा रहा हूँ। लेट्स गो। हमने जाल को पूरी तरह से मेल्ट कर दिया है, अब आराम से इसके अंदर आ चुके हैं। अब गाइज हम करेंगे शुरुआत यहाँ पर ट्रेडमिल पे भागने की। ये रहा वो ट्रेडमिल, यार मैं ट्रेडमिल के आगे कितना छोटा हूँ। अच्छी बात है, जैसे जैसे बड़ा होता जाऊंगा ट्रेडमिल भी बड़े होते चले जाएंगे। भागो 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 भागो। अरे यार साइज तो बड़ा स्लो चल रहा है। गाइज आप कमेंट में हार्ट का इमोजी और साथ साथ में स्माइल वाला इमोजी स्पैम कीजिए, फिर देखिए मेरा साइज कितनी तेजी से बढ़ता है आगे। कमोन 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 कमोन, मुझे मेरे साइज मीटर को और तेजी से भगाना है। कमोन कमोन जल्दी कीजिए गाइज, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। वाह अब भी गाइस देखिए मैं पूरी तरह से एक मशरूम बेबी नहीं रहा, अब मैं एक फायर मशरूम मैन बन चुका हूँ। मेरे पापा से इतना बड़ा हो गया हूँ, कितनी अच्छी बात है ये। गाइस चलिए जल्दी चलते हैं इससे पहले कि ये डायमंड हार्ट बेबी मेरे काम में कोई। एक मिनट, वाह अरे अब मैं हाथ से फायर मशरूम के अटैक कर सकता हूँ क्या? एक मिनट गाइस एक काम करते हैं अपनी बाइक पर शूट करके देखें, देखते हैं इसका क्या होगा। ओह नो ये क्या, व्हाट? मैं यहाँ पर अपने ताकत से, अपनी छड़ी की ताकत से, अपने हाथ की ताकत से किसी भी चीज़ के शेप बदल सकता हूँ। मैंने लिटरली में बाइक को मछली में कन्वर्ट कर दिया। और ये क्या, मैंने इतने बड़े अर्थमैन को कबूतर बना दिया। ये क्या कर दिया तूने मेरे साथ, छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे भागो भागो अर्थमैन गुस्सा हो जाएगा। वाह लगता है गाइस ये पक्का ना उस डायमंड हार्ट बेबी की बाइक होगी या हीटरमैन की होगी, किसी की भी नहीं, हीटरमैन की तो गिर गई थी, मतलब ये डायमंड हार्ट बेबी की बाइक है। अरे मेरी बाइक छोड़, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। भागो भागो पूरी स्पीड में जाएंगे और यहाँ पर हम सबसे बेस्ट जायंट नहीं भाई टाइटन लेवल के फायर मशरूम मैन बन जाएंगे। अरे हटिए ब्लैक रेवेंजर जी मेरे को आगे जाने दीजिए। लेट्स गो गाइस, अब सामने जो लाइटनिंग रेड वेनम है ना मेरे को उनसे किसी तरह से बच के उनका वाला स्पेशल ट्रेडमिल लेना होगा। उसी के बाद मैं यहाँ पर अब फाइनली अपना साइज 3000 से 40,000 तक लेके जाऊंगा। अबे ओए बच्चे मेरे साथ चलेगा, हम यहाँ पर साथ में मिलकर उसकी बैंड बजाएंगे। अरे हाँ उस बच्चे ने मेरी बैंड बजाई है, हम साथ में उसकी बैंड बजाएंगे। चल बच्चे काफी मजा आएगा। ए सामने से हट जा रे जोकर हल्क, वरना तेरे को जोकर बना के मारूंगा। मेरे को उधर कोई नहीं हरा सकता, निकलो निकलो यहाँ से। काफी ज्यादा मजा आया, हटो ब्लैक रेवेंजर की बैंड बजा दूंगा मैं, सबकी बैंड बजा दूंगा। अरे वाह काफी मजा आ रहा है, मारते रहो सबको। ओह नो गाइस यहाँ पे वाटर ड्रॉप मैन है, ओह माय गॉड। अबे रुक तेरे को बेटा ठंडा पानी पिलाता हूँ और तेरे को जुकाम लगा के तेरी बैंड बजाता हूँ। नहीं भाई साहब ये तो मेरे को समुद्र में फेंक दिया। चलो उसकी तो मैंने बैंड बजा दी, अब जल्दी से ये कौन सा वेनम हो गया भैया, हम तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। अबे रुक तेरे को बताता मम्मी, हमने बोला था हम बहुत खतरनाक है। वाह
यार गोल्डन एंड रेड वेनम कितना खतरनाक है, ये वाला वेनम कब था मुझे समझ नहीं आया। अरे अच्छी बात है, वो वाटरमैन की तो बैंड बज गई, अब मेरे को यहाँ पर अपने डायमंड हार्ट का इस्तेमाल करके वेनम की बैंड बजानी होगी और यहाँ पर ट्रेडमिल मेरा हो जाएगा। अरे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा मेरे का तो। यहाँ पर बेचारा मशरूम फैन भी गया और यहाँ पर वाटरमैन भी गया, अब तो मेरा काम है। ओह नो गाइस, मेरी बैंड बज गई वाटरमैन की भी और अब ये डायमंड हार्ट भी यहाँ पर ट्रेडमिल ले लेगा। अरे बोरा ट्रेडमिल बोरा, अरे मिल गया मिल गया। नहीं नहीं नहीं, मुझे उसको किसी भी हाथ पर रोकना पड़ेगा। अरे रुक जाओ बच्चे। ओ भैया ये ट्रेडमिल मैंने अपनी मेहनत से लिया, अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, चल मैं तेरी भी बैंड बजा देता हूँ। क्या बोला? अरे नहीं मेरी बैंड मत बजा मम्मी। निकल यहाँ से सुपर लाइटनिंग वाटर अटैक, ले बिजली वाला पानी पी और मजे कर। नहीं अरे तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। गाइस यार वाटरमैन जिंदा बच गया और उसने अपने बिजली वाले पानी से बैंड बजा दी भाई उसकी। गाइस जल्दी से ना कमेंट में फायर वाला इमोजी स्पैम कीजिए, मैं अपने फायर मशरूम स्पीड रोटेशन स्पीड का इस्तेमाल करके अपने आप को टेलीपोर्ट करूंगा, सीधा वहां पर टेलीपोर्ट करूंगा या फिर उड़ाऊंगा, नहीं तो मैं पानी में गिर के हमेशा के लिए मर जाऊंगा। वाह क्या बात है, मेरे पास लिटरली में सुपर फायर मशरूम स्पीड रोटेशन स्पीड आ चुकी है जिससे कि हम यहाँ पर आराम से हवा में उड़ सकते हैं, हवा को कंट्रोल कर सकते हैं, इवन ग्रेविटी भी हमें नीचे नहीं खींच सकती। वाह मजा ही आ गया। ऑलराइट गाइस मैं वापस से ऊपर आ चुका हूँ, कहाँ पर गया वो, कहाँ पर गया? ओ हेलो भाई वेनम जी, वो वाटरमैन कहाँ पर है? हमको क्या पता, तो निकल यहाँ से। गाइस मैंने ना वेनम की बैंड बजा दी लिटरली में भाई, देखिए मैंने वेनम को कितनी दूर फेंका है। अपना बता भाई कहाँ पर है वो ट्रेडमिल? अरे तेरे राइट में ही आ रहा है बच्चे। अरे राइट में? मैंने ध्यान नहीं दिया। अरे हाँ याद आया, ये जो हरे वाले ब्लॉक्स हैं इसी के अंदर तो ट्रेडमिल है। ये रहा ये रहा, अबे जल्दी से अपना साइज बढ़ाता हूँ। अच्छा वाटरमैन अभी तेरी बैंड बजाता हूँ मैं, तूने ही मेरे को नीचे गिराया था ना। अबे रुक तेरे को बिजली वाला आया मैं। ओए ये क्या कर दिया, मैंने तुझे आग वाली मशरूम खिला दी, अब तेरे पूरे जिस्म में आग लगती रहेगी और जा समुद्र में जाके डूब जा। ऑलराइट अब गाइस हमें रोकने वाला कोई नहीं है, अब हमारा साइज यहाँ पे 3000 से 40000 हो जाएगा। भागो 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 और तेजी भागो भागो। गाइस यार साइज नहीं बढ़ रहा, आप लोग जल्दी से मशरूम का इमोजी स्पैम कीजिए, देखिए साइज बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब रुक तेरे को बताता हूँ मैं, वो ट्रेडमिल मेरा है, वो ट्रेडमिल सिर्फ मेरा ही साइज बढ़ सकता है, किसी और का नहीं। इसका क्या मतलब है, इस पे तेरा नाम थोड़ी लिखा है? अरे रुक जा, सुपर डायमंड हार्ट लेजर स्पीड। ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है तू, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, अभी पता चल जाएगा। अरे इसने मेरे दिल की धड़कन बिल्कुल स्लो कर दी, मैं मर जाऊंगा, कोई बचाओ मुझे प्लीज। अरे वाह 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 मचा गया, मैंने तो मशरूम मैन की अच्छी खासी बैंड बजा दी। ओ नो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, डायमंड हार्ट में भी तेरी बैंड बजा दूंगा। अब देखिए मेरा ट्रेडमिल है तेरी आंखों के सामने कैसे बढ़ता हूँ। अरे गाइस इसका तो सच में साइज बढ़ रहा है, मेरा क्यों नहीं बढ़ रहा था, मैंने भी तो पूरी कोशिश की थी। भागो 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 भागो, मेरा साइज यहाँ पे 40000 हो जाएगा। वाह इसका साइज सच में यहाँ पर 40000 हो गया और ये डायमंड जायंट हार्टमैन बन चुका है। अब मैं जा रहा हूँ दुनिया का सबसे बड़ा टाइटन डायमंड हार्टमैन बनने। नहीं ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा, हरगिज़ नहीं होने दूंगा, अब लास्ट वाला ट्रेडमिल मेरा होगा। चलिए गाइस जल्दी चलते हैं, मुझे यहाँ पर टाइटन फायर मशरूम मैन बनना पड़ेगा, मुझे यूनिवर्स मैन की फैमिली से बदला भी तो लेना। अबे चल तू किसी से बदला नहीं लेगा। ओह नो मेरी तो इसने अच्छी खासी वाली बैंड बजा दी। काफी मजा आ गया, चलो 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 जल्दी जल्दी आगे जाते हैं और जाकर ट्रेडमिल पे अपना साइज बढ़ाते हैं। तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं, जायंट डायमंड हार्ट मैन तेरी बैंड बजा दूंगा। काफी ज्यादा मजा आ गया। अरे वाह 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 मैं तो यहाँ पे पूरी स्पीड में उड़ भी पा रहा हूँ। गाइस देखिए डायमंड हार्ट मैन लिटरली में सुपर स्पीड बूस्टर की मदद से उड़ पा रहा है और ये यहाँ पर उस सबसे बड़े वाले ट्रेडमिल के पास शायद सबसे पहले पहुंच जाएगा। लेकिन एक मिनट, हमारी टीम में एक और बंदा था जो कि शायद ब्लू फायर बेबी था। अरे हाँ मैं भी हूँ अभी और मैं सबकी बैंड बजाने के लिए आ रहा हूँ। मैं ब्लू फायर बेबी हूँ, मैं सबका इस्तेमाल कर रहा था, अब देखो मैं किस तरह से अपनी सुपर फायर बाइक का इस्तेमाल करके सबसे लास्ट वाले ट्रेडमिल का इस्तेमाल करता हूँ। गाइस ये कब से इंतजार कर रहा था कि कोई यहाँ पर बीच की सारी रुकावटों को तोड़ के सबसे बड़ा वाला ट्रेडमिल तक पहुंच जाए, लेकिन यार ये ऐसा क्यों कर रहा था? अबे ज्यादा मत बोल, तू मशरूम बेबी, तू मशरूम है, मशरूम ही बनकर रह। ए जायंट डायमंड हार्ट मैन कहें के, रुक तेरे डायमंड हार्ट को अभी यहाँ पर मैं मिट्टी वाला हार्ट बनाता हूँ। मैं तो काफी आगे आ गया। अबे तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा समझा? ओए ब्लू फायर बेबी तू है कौन असल में? अबे रुक तेरे को बताता हूँ। गाइस मेरे पास एक बढ़िया तरीका है, वो दोनों जितने लड़ेंगे क्यों ना मैं उनकी लड़ाई के बीच में फायदा उठा के ट्रेडमिल पे साइज बढ़ा लूं। ये तो सबसे बेस्ट रहेगा, सुपर फायर स्पीड मशरूम अटैक, लेट्स गो। मैं यहाँ पर अपने मशरूम की स्पीड से काफी तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ, अब मुझे यहाँ पे कोई नहीं रोक सकता, मेरी ये स्पीड सामने वाली रुकावट को अच्छी तरह से यहाँ पे हटा देगी, लेट्स गो। यहाँ पर जो भी मेरे रुकावट में बन के आ रहा है उस सबकी बैंड बनती जा रही है, लेट्स गो। फाइनली गाइस हमने भी उड़ना सीख ही लिया। ऑलराइट दोस्तों अब जल्दी से एक काम करते हैं, ये जो बड़ा वाला ट्रेडमिल पे साइज बढ़ाते हैं। रुक मैं तेरी बैंड बजाता हूँ मैं। अबे सबसे पहले तो मैं इस मशरूम मैन की बैंड बजाता हूँ, ले सुपर फायर
फॉल अटैक, सुपर फायर, चेन अटैक। ओ भाई साहब, ये इतना सा बच्चा है, इसके पास इतनी खतरनाक पावर कहां से है? क्योंकि मैं रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरी जिंदगी यहाँ पर ट्रेनिंग में लिखनी है। अब देख मैं, अरे कौन मार रहा है मेरे को? अरे मैं मार रहा हूँ, मैं डायमंड हार्ट बेबी हूँ, सुपर डायमंड लेजर अटैक मार रहा हूँ जिससे कि तेरी बैंड बच जाए। ओह नो, मेरे सारे चांस, मेरे मौके यहाँ पर खो चुके हैं। नहीं, अभी भी एक चांस है, मुझे अगर अपने पापा को बचाना है, पापा को बचा तो नहीं पाया पर हाँ कम से कम उनके नाम को बचाना है, उनका बदला लेना है, तो मुझे यूनिवर्स मैन की फैमिली से ज्यादा ताकतवर और बड़ा होना होगा। भागो 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 भागो, मुझे यहाँ पर टाइटन मशरूम मैन बनना होगा। ए बच्चा रुक जा, क्या कर रहा है, इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है? अब मैं बच्चा नहीं रहा, मैं बन चुका हूँ जायंट मशरूम मैन। एक मिनट, मेरी आधी बॉडी डायमंड की है और आधी बॉडी ऑल फादर एलिमेंट्स की है। वाह, मैं ऑल फादर जायंट मशरूम मैन बन चुका हूँ। अबे तेरे बस की कुछ भी नहीं, रुक तेरे को बताता हूँ। गाइस अभी बताता हूँ, अरे बच्चा लड़ाई मत करो, अगर लड़ाई करोगे तो अगला मैच कैसे खेल पाओगे? व्हाट, इसका मतलब अभी भी साइज बढ़ाया जा सकता है क्या? बिल्कुल बच्चे, तुम दोनों में से या फिर कहो तो तुम चारों में से कोई भी अभी टाइटन लेवल का नहीं है। अरे हाँ सर जी, मैं तो कोल्ड ड्रिंक मैन हूँ, अभी अभी नया आया हूँ। अरे हाँ, और मैं स्वॉर्ड मैन हूँ। हाँ तो बच्चों मेरे साथ चलो, तुम्हारा आखिरी मैच होने वाला है यूनिवर्स मैन के घर के पास। यूनिवर्स मैन, उसको देख कर तो मेरी सारी पुरानी यादें ताजा होगी डॉक्टर मिक्सिट। देखो गाइस, इसने यूनिवर्स मैन ने मेरी फैमिली को मारा था। क्या कहा? अरे बाप रे, ये तो बहुत गलत बात है। बिल्कुल, और आज मैं इस यूनिवर्स मैन से बदला लूंगा, यूनिवर्स मैन को बर्बाद कर दूंगा। काफी मजा आएगा, कोई भी मेरा ट्रेडमिल नहीं ले पाएगा। हाँ तो बच्चों, ये जो यूनिवर्स मैन है, अब इसका पूरा प्लान बन चुका है पूरे यूनिवर्स पे कब्जा करने का, इसलिए यहाँ पर इसने एक बहुत ही बड़ा, मेरा कहने का मतलब कुछ ज्यादा ही बड़ा ट्रेडमिल डेवलप कर लिया है। लेकिन तुम्हें उसके लिए सबसे पहले इस यूनिवर्स मैन को हरानी होगी और साथ साथ में मेरे भाई मिस्टर रेड को बचानी होगी, क्योंकि मिस्टर रेड की टेक्नोलॉजी की मदद से ये लोग यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडमिल डेवलप कर पाए। दुनिया का सबसे बड़ा, गाइस इतनी बड़ी तो बिल्डिंग्स नहीं होती जितना बड़ा ये इकलौता ट्रेडमिल है लिटरली में भाई। गाइस यहाँ पर अब क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, सबसे पहले तो मैं ही जाऊंगा, मैं कोल्ड ड्रिंक मैन हूँ, मैं यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक बन जाऊंगा, ब्लैक कोल्ड ड्रिंक, और आराम से टेलीपोर्ट होता हुआ जाऊंगा। वाह गाइस, ये कोल्ड ड्रिंक मैन तो ऑसम है यार। ओए बच्चे, फायर मशरूम मैन और जो भी तेरा नाम है, तू चिंता मत कर, यूनिवर्स मैन की फैमिली से मैं बदला लूंगा, तेरे पापा का बदला मैं लूंगा। वाह यार, कोल्ड ड्रिंक मैन बड़ा अच्छा है, थैंक यू सो मच मेरी मजबूरी को समझने के लिए। अबे कोल्ड ड्रिंक मैन, अबे रुक, तेरी कोल्ड ड्रिंक को यहाँ पे हॉट ड्रिंक बना के तुझे पिलाता हूँ और तेरी बैंड बजाता हूँ, तू मेरा कुछ नहीं। हाँ ये क्या कर दिया? ओह नो, बेचारा कोल्ड ड्रिंक मैन, वॉइस ऑफ यूनिवर्स मैन ने उसको अपने यूनिवर्स की ताकत का इस्तेमाल कर न जाने कौन से वर्ल्ड में भेज दिया। नहीं, ओह नो, अब तो हमेशा मैं यहाँ पे फंसा रह जाऊंगा, कोई प्लीज मुझे बचाओ। ओह नो, बेचारा कोल्ड ड्रिंक मैन, गाइस वो मेरी फैमिली का मेरे लिए बदला लेने जा रहा था। हे हे हे, मैं हूं स्वॉर्ड मैन, मैं सुपर टाइटन स्वॉर्ड निकालूंगा और सबकी बैंड बजाऊंगा। ओ भाई ये क्या, मेरे बट्टा मुझे बचा, ये मुझे मारा। ओए कोई तुझे नहीं बचाएगा, हा हा हा, वो ट्रेडमिल मेरा हो जाएगा। अरे वो ट्रेडमिल तो मेरा होगा, ए मशरूम मैन चल निकल यहाँ से। ओ माय गॉड, नहीं, ये क्या कर रहा है तू? डायमंड हार्ट मैन, मैंने सोचा तू मेरी मजबूरी को समझेगा और यहाँ पर मेरे को मौका देगा अपने पापा की मौत का बदला लेने का। अबे चल निकल यहाँ से, वैसे भी यूनिवर्स मैन को मैं हराई दूंगा तो कंसीडर करना तेरे पापा का बदला तुझे मिल गया, बट वो ट्रेडमिल मुझे चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, वो ट्रेडमिल मेरा होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्रेडमिल, ये क्या हो रहा है? अबे इधर आ बच्चे, मैं तेरी बैंड बजाता हूँ, तुझे पता है मैं छोटा सा बच्चा था तब मैंने मेहनत के ट्रेडमिल जीता और अपना साइज बढ़ाया और तू मेरा ट्रेडमिल छीनना है? अब मैं तुझसे डरता नहीं हूं यूनिवर्स मैन। तेरा साइज इतना बड़ा है पर तेरी आवाज तो बच्चे जैसी है, तेरी आवाज भी तो बच्चे जैसी है। गाइस ये क्या, अब ये क्या होने वाला है? रुक तेरे को बताता हूं, सुपर डायमंड हार्ट लेजर सुपर ब्लास्ट अटैक। मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं यहां पर टाइटन यूनिवर्स मैन हूं, ये ले सुपर टाइटन लेजर यूनिफाइंग खतरनाक इलेक्ट्रिकल अटैक। ओ माय गॉड गाइस, ये क्या कर रहा है भाई साहब? डायमंड हार्ट मैन की तो अच्छी खासी बैंड बच जाएगी यहां पे। अरे नहीं मम्मी, ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरे को बचाओ। वैसे ये अच्छा मौका है, यहाँ पर वो टाइटन यूनिवर्स मैन जो कि समय बच्चा हुआ करता था वो यहाँ पर बिजी है डायमंड हार्ट मैन को पीटने में और उसके पापा की भी हालत खराब है, तो मतलब मैं जा सकता हूँ और ट्रेडमिल पे अपना साइज बढ़ा सकता हूँ। चलिए गाइस जल्दी चलते हैं, जाने अनजाने में डायमंड हार्ट मैन ने मेरी मदद कर दी, थैंक यू सो मच भाई। अरे बाप रे, थैंक यू सो मच तो तुझे यार, तू यहाँ पर मेरे को हारने के बाद भी अप्रिशिएट कर रहा है। लेट्स गो गाइस, अब यहाँ पर देखिए किस तरह से मैं अपना साइज 40,000 से 60,000 करने वाला हूँ। भागो 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 भागो, नहीं मुझे 60,000 नहीं भाई, अपना साइज 8,000 करोड़ करना है, 8,000 करोड़। उसके लिए मशरूम का इमोजी और हार्ट का इमोजी स्पैम करते चले जाइए। अब नहीं, मेरा बच्चा इसको रोक, ये मशरूम मैन, ये दुनिया का सबसे बड़ा टाइटन मशरूम मैन बन जाएगा। अरे पापा जी चिंता मत कीजिए, मैं इसकी बैंड बजा दूंगा। अच्छा यूनिवर्स मैन, देख मेरे को, मैं दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा टाइटन मशरूम मैन बन चुका हूं। वाह, मेरी आधी बॉडी लिटरली में लावा एलिमेंट से बनी है और आधी बॉडी वाटर एलिमेंट से, और गाइस मेरा हेड फायर मशरूम से, मैंने अपने पापा का किया वादा पूरा किया।
किया। अब गाइस आप लोग माइंड ब्लोइंग वाला इमोजी और फायर वाला इमोजी एक साथ स्पैम कीजिए कमेंट में। अबे उससे क्या ही होगा, मैं तेरी बैंड अभी भी अपने किसी भी यूनिवर्स के प्लेनेट में भेज के बजा सकता हूँ। अच्छा गाइस मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा टाइटन फायर मशरूम लाता हूँ और उसको ब्लास्ट कर डाला। नहीं पापा, और नहीं मेरा बच्चा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं मशरूम में, लेट्स गो। हमने पापा का बदला ले लिया। बाकी गाइस आपको स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है वो भी देख लीजिए। थैंक यू सो मच।